चुरू जिले के रतननगर पुलिस की ओर से अवैध हथियार के साथ एक जने को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देशानुसार जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ वज्र अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चुरू राजेंद्र मीणा के निर्देशन व वृत्ताधिकारी चुरू ममता सारस्वत के सुपरविजन में रतननगर थाने के एएसआई कैलाश चंद्र के नेतृत्व में कांस्टेबल मुनेश व वेद प्रकाश ने सोमवार को दौरान गश्त व नाकाबंदी आनश भवन ऊंटवालिया चौराहा से सुखवीर सिंह जट सिंह 23 साल निवासी मौजेवाला पुलिस थाना जलालाबाद सदर तहसील जलालाबाद जिला फाजिलका पंजाब को अवैध तलवार सहित गिरफ्तार किया। चुरू जिले में काम दिलाने के बहाने दिल्ली के एक युवती से गैंग रेप के बाद छत से फेंकने के मामले में नामजद तीसरे आरोपी को पुलिस ने ढाडर निवासी राजू नट उर्फ सुनील 35 वर्ष को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। सीओसीटी ममता सारस्वत ने बताया कि आरोपी मौसम विभाग के पीछे स्थित झुगी झोपड़ी में छिपा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओसीटी सारस्वत ने बताया कि रिमांड अवधि पूरी होने पर गिरफ्तार आरोपी चैनपुरा बड़ा निवासी सुनील उर्फ बुल्ला राजपूत व इंद्रपुरा निवासी विक्रम सिंह उर्फ विक्की राजपूत को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं राजू नट से पूछताछ के लिए रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए हैं। आरोपी राजू ने ही काम दिलाने के बहाने युवती को दिल्ली से चुरू बुलाया था। इधर पुलिस शेष बचे दो आरोपियों की तलाश में छिपने के संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है।